हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सब लोग चिट्ठी खेलने जा रहे हैं। आप में से चिट्ठी कौन कौन खेलते हैं मुझे बताना, और कौन कौन अपने बचपन में खेलते थे मुझे ये भी बताना। आप मेरी चिट्ठी देख भी लेंगे ना, कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको तो मैं देने का नहीं है। जाम उल्टा है वो। एक मिनट, कौन सा बना? जान जान जान, खट्टा खट्टा जान। मैं ये देखा तो उसने मुझे जान दी थी। जाम? मैंने उस्मान को भी जान दिया। अभी तक एक भी नहीं खाया। मेरे जब से दो 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 अनार बन रहे, दो केले बन रहे हैं। क्यों? थोड़ी बात दीदी ने भी नानी बोले। मेरे को मेरा एक भी अंडा नहीं है। यस, एक बार को तीन अंडे। दो बार तो भी करी है, तीन बार रहता है हर एक गेम में। दो बार? हाँ, दो बार, सिर्फ दो बार। किसी ने जोर से मारा ना तो एकदम सेबा कपड़े लेने जा रही है, तो अनस और अलीजा भी साथ में जा रहे हैं क्योंकि मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो छत में कपड़े थे तो वही लेने गए। देखिए हवा कितनी ज़ोरों से चल रही है। मैं सिलाई कर रही थी इसके लिए मिस हो गया। इतनी अच्छी हवा चल रही है, सब छत पे इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो जा ही नहीं पाई। कितनी हवा चल रही है। सेबा को मैंने बोली थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, कपड़े उठा के ले आई, और देखिए उठाते उठाते ही बारिश आने लगी। ज़ोर की बारिश चालू हो गई। अच्छा हुआ कपड़े उठा लिए, नहीं तो पूरे भीग जाते। देखिए हम लोगों ने जितना ध्यान किए थे उतना साफ भी कर लिए। सेबा देखने आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं, कपड़े सिल रहे। आदमी बहुत चिड़ रहे थे, कितना चिड़ के गए ना। बोलते कि पड़ा हुआ है ये कपड़ा वो कपड़ा, जाने का सब मेरी जान पे। तो अभी अम्मी बाहर गए हुए, तो मैं बोली लाओ मैं थोड़ा सा सिलाई कर लूँ। मुझे ना सिलना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी बारिश हो रही है तो अम्मी थोड़ा रुक के आएंगे। अच्छा, जब तक मेरा सिलना हो जाएगा फिर अम्मी को सरप्राइज़ दे दूँगी। सुबह को तो इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं सिलाई कर रही हूँ तो मेरा मुंह देख देख के हंस रहे हैं। स्पीड बढ़ाइए। पहले बड़ी मुश्किल से सिल रही हूँ, सिलने देंगे या नहीं? स्पीड बढ़ाइए, अभी बिगड़ जाएगा तो फिर उसको बनाते बैठूंगी मैं 4 घंटे। देखिए मेरी अंगूठी, उंगली बड़ी अंगूठी कैसी लग रही है बताना। मेरे हाथ में ज़्यादा अच्छी लगेगी। इयररिंग पहनाइए ना मुझे, इयररिंग पहनाइए। मेरी आवाज़ पूरी बैठ गई। यहाँ पे पोल खोलने वाले बहुत लोग रहने वाली मेरी रिंग है तो वही अम्मी की रिंग है। हाँ, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है बताना। अम्मी की है। अरे जब ये ड्रेस सिल जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे सिली, बताऊं। हाँ, बहुत मुश्किल से सिल रही हूँ, अम्मी बाहर गए हुए, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आए अम्मी तो ज़्यादा बेहतर है ना। सेबा नहीं, अभी आ जाए ज़्यादा बेहतर है, जो भी गलत सलत बता देंगे। कुछ गलत सलत नहीं तो खोल के सिलना पड़ेगा। जो भी करी हूँ ना मैंने अपने ड्रेस में की हुई, इसीलिए। हाँ, मैंने किसी और का नहीं ली कि किसी और का खराब होएगा, मैंने इसीलिए अपना ली कि खराब भी होएगा तो मेरा ही होएगा। अभी ये दोनों का चालू ही रहेगा। अम्मी की रिंग है और मेरी नहीं है, सॉरी मैंने बोल दी थी कि मेरी रिंग कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी आ गए। नहीं, अपना शर्ट सिल रहे। अम्मी ने बुरखा भी नहीं निकाले और सबसे पहले देखने आए कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए अम्मी,
क्या बर्बाद कर रही है, किसका कपड़ा बर्बाद कर रही है? डायरेक्ट बर्बाद बर्बाद नहीं कर रही हूँ, सिल रही हूँ, अपना ही ड्रेस सिल रही हूँ। बहुत अच्छा हुआ, जो भी करना अपना ही करना। हाँ मैं अपना ही की हूँ इसीलिए। हाँ, अपना ही करना। ऐसा मैं गलत करी ना, मैंने गलत कटिंग करी इधर देखा, मैंने ऐसा हाथ करी ना, यहाँ की नस चढ़ गई मेरी इतनी जोर की। या अल्लाह क्या होएगा ये बच्चे का। एक मिनट अम्मी, अम्मी पूरा सिलने के बाद अल्लाह। नहीं नहीं मैं भी देखूंगी, ये देखिए इसका मैचिंग नहीं था। हाँ मैं भी देखी, नहीं चुप खोलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं गलत, ये तो पीछे के दोनों को गलत कट करी ना। हाँ पूरा कट किया, ये भी मैंने कट, बहुत अच्छा है लेकिन, है ना। बहुत अभी सीधा करके देखिए ना अम्मी, देखिए वो तो पूरा सिलने के बाद ही पता चलेगा। ये क्या है अम्मी, ये क्या है, ये देखिए अल्लाह मोटा, इसकी वजह से वैसा बराबर मोटे की वजह से है ना, मगर इसमें पेच आई है बेटा। नहीं ऐसा कर दिया ना, खींच दिए तो वो खींच दिए तो यार खींच खींच नहीं काम चलाना है, तो वो मोटा कपड़ा है ना इसकी वजह से। चलो मैं बाद में देखूंगी पूरा, चलो बाद में पता चलेगा कैसे। इतना मत दिखाइए, जिसको आता होगा बोलेंगे कैसी तुरपाई कर रही है। दिखाइए तो, जिसको आता होगा ना सबको आता है। अरे हाँ भाई अम्मी नहीं आप मत आइए प्लीज प्लीज। अच्छी कर रही है अल्लाह मेरा आँख। सॉरी 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 लगा भी नहीं ऐसा, ऐसा नहीं उल्टा है सब। नहीं अम्मी देखिए यहाँ से लिए ना तो इसी के पास से लेने का, यहाँ से यही सही। हाँ यहाँ से लेने का और फिर दूर निकालना यहाँ पे। हाँ हाँ जब ही तो वो ऐसा धागा फंस गया। रुकिए लोगे तुरपाई। आप अपने धागे पर सही में जा रही चाय बनाने। क्या हो गया ये अम्मी, धागा फंस गया। नहीं मैं करती हूँ ना, मैंने देखी हूँ आपको करते हुए। देखिए उस्मान क्यूब बना रहा है और ये 30 सेकंड्स में बना लेता है एकदम स्पीड से। कितना भी बिगाड़ के दे दो 30 सेकंड के अंदर बना देगा। क्या हुआ, क्या करी? कुछ नहीं, मैं तो संभाला नहीं हो रहा था तो मैंने अपने पैर के ऊपर रखी और सिर से। कितनी अच्छी तुरपाई करी है ना ये देखो। अम्मी मैं बोली ऐसा नहीं नहीं, नहीं हाँ। पकड़ा हो रहा था तो मैं ऐसा रखी और फिर ऐसा सिलना चालू करी तो यार ये पूरा सिल गया। देखिए ऐसी तुरपाई कौन करता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ऐसी तुरपाई कौन कौन करता है। आप कैमरा क्यों चालू कर लिए? नहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, अभी बोल रही थी मैं तुरपाई भी करूंगी सिलाई करूंगी। नहीं बस नहीं नहीं एक मिनट ये देखिए देखिए पूरी बारीक सोएबा बारीक, जल्दी आइए ये देखिए। यहाँ से करते करते फिर अपना शर्ट भी सिल दी। ये ऐसी तुरपाई कौन कौन ऐसी तुरपाई की है काट दूं कमेंट करके बताना। नहीं नहीं काट देती हूँ। ये एक मिनट एक मिनट, ये सोएबा तुरपाई कर रही है। सुई चुभी सुई पैर मशीन के ऊपर रख के और यहाँ पे रख के फिर ऐसे तुरपाई हो रही थी तो ये कितना अच्छा तुरपाई करी है ना। देखिए फ्रेंड्स आज ना मैं मसालेदार करेला बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं देखती हूँ कैसे बनते। नहीं मसाला वो करेला फ्राई बनाती हूँ, मसालेदार कभी नहीं बनाई मैंने, आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो बस अच्छे बन जाए। ये करेला को उबाल ली थी मैंने और हल्दी नमक डाल के, आधा चम्मच नमक डाली थी आधा चम्मच हल्दी और बॉईल कर ली, बस अच्छे बन जाए। बर्तन धो रही है। हाँ सोएबा बर्तन धो रही है। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।